पुलिस लॉकडाउन में कोरोना योद्धा के रूप में अपना काम कर रही है। इसी कड़ी में पूर्णिया के मधुबनी मेहता चौक के समीप प्रशिक्षु डीएसपी प्रभात रंजन एवं उनके सहयोगियों के द्वारा 100 लोगों के बीच सूखा राशन वितरण किया गया। इस वितरण के दरमियान प्रशिक्षु डीएसपी प्रभात रंजन ने तमाम जानकारी दी और कहा कि हमें फेसबुक के माध्यम से इसकी सूचना मिली थी। वहीं इस अवसर पर चांदपुर की रहने वाली सिविल की तैयारी करने वाली छात्रा मोना राय भी मौजूद थी, जिन्होंने काफी सहयोग किया। कल फेसबुक के माध्यम से हमें पता चला कि मध्य प्रदेश के कुछ बंजारे, लगभग 100 के करीब बंजारे मेहता चौक के पास मधुबनी में फंसे हुए हैं। तो कल मैं दौरा किया और उनसे देखा कि क्या ज़रूरत है। आज फिर सोशल मीडिया के द्वारा मैंने कलेक्ट किया और लगभग 100 केजी राशन और सब्जी वगैरह बांटा। हम लोग आगे भी देखते रहेंगे कि क्या क्या ज़रूरत है। कुछ तेल वगैरह की मांग की है, शैम्पू वगैरह की, वो भी जुटाएंगे। ये लोग लगभग 100 के आसपास बंजारे कम्युनिटी के हैं, आदिवासी अपने को बोलते हैं, मध्य प्रदेश के हैं। तो एक जगह हम बिरबल नाम का एक लड़का है जो कि वहाँ का मेट है, उनको दे दिया और सबसे पूछ भी लिया कि कोई प्रॉब्लम है नहीं, सबको बराबर बांट देगा। मेरा मनसा था कि जो लोग को, हम लोग तो घर में अच्छे से खा पी रहे हैं और हमारा, हम पर जो प्रभाव पड़ा है इस कर्फ्यू का, तो हम पर जो प्रभाव पड़ा है वो ज़्यादा असरदार नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों को खाना पीना नहीं मिल पा रहा है और जो बंजारे लोग हैं जो वहाँ रह रहे हैं, उनको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वो लोग जंगलों के बीच में बैठे हुए हैं, उनको लाइट की कोई सुविधा नहीं, पानी का इतना टेंशन। अच्छा फील हो रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है कि हाँ मैंने कुछ किया है किसी के लिए।